मौसम को लेकर मौसम विभाग का बड़ा अपडेट। देश के कई राज्यों में होने वाली भारी बारिश, मौसम विभाग ने यूपी समेत देश के इन राज्यों में जारी किया है अलर्ट। देश के अधिकांश इलाकों में बारिश का दौर जारी है, मगर अब जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून वापसी की तरफ जो है कूच कर चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून ने राजस्थान गुजरात के कुछ हिस्सों में अपनी वापसी कर ली है। इसके साथ ही पंजाब के कुछ हिस्सों में भी मानसून की वापसी हो चुकी है। वही दिनों में जो है भी मानसून में बड़े बदलाव की संभावना जताई गई है। हालांकि कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। दरअसल मौसम विभाग ने कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में जो है अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा जो है 26 तारीख तक कोंकण, गोवा में भारी बारिश को लेकर चेतावनी है। वही 26 तारीख तक जो है महाराष्ट्र के मध्य इलाकों में और गुजरात में भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी है। वह पिछले 24 घंटों के दौरान कई राज्यों में भारी बारिश दर्ज की गई। गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम में कई इलाकों में भारी से भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। गुजरात के वलसाड जिले के पर्डी में 13 सेंटीमीटर वर्षा पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है, यानी पिछले 24 घंटों के दौरान यह वर्षा दर्ज की गई है। वही 9 में से 12 सेंटीमीटर बारिश हुई है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में अगले 7 दिनों के दौरान हल्की मध्यम बारिश जारी रहेगी। कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश और तटीय इलाकों में व्यापक वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत और बंगाल की खाड़ी के उपमाल क्षेत्रों में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश को लेकर चेतावनी है। वही देश भर में जो है इस तरह की स्थिति फिलहाल देखने को मिलेगी। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कल जो है तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम कारण बादल छाए रहने की संभावना यहाँ पर जताई है। ज्यादातर इलाकों में इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। अब आपको राज्य भर मौसम विभाग के समाचार बताते हैं। सबसे पहले बिहार के मौसम बताते हैं तो 12 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। दरअसल बात यह है कि बिहार में एक बार फिर से आज मौसम बदलने वाला है। आज 12 जिलों में जमकर बारिश होने की संभावना है। इस भारी बारिश को देखते हुए जो है महिलाओं को राहत जो है मिलेगी। जैसे पिछले 24 घंटों में गर्मी से लोगों का बुहारा हाल था। इस दौरान मेघगर्जन और वज्रपात को लेकर यह जारी किया गया था। बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, बांका, जमुई, मुंगेर, लखीसराय के कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश और मेघगर्जन और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। तो ज्यादातर इलाकों में इस तरह की स्थितियां फिलहाल देखने को मिल रही है। आगामी 24 घंटों में ज्यादातर राज्यों में इस तरह की स्थितियां देखने को मिलेगी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मानसून की विदाई से पहले एक बार फिर से जो है बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। ज्यादातर इलाकों में बारिश का अलर्ट है। दरअसल बात यह है कि राजस्थान में एक बार फिर से मौसम चाल बदलने वाला है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ है। वहीं कुछ जिलों में गर्मी और बस में लोगों से तारा। इस बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के तजुर्बों की माने तो जो है 30 तारीख तक जो है कोटा, उदयपुर संभाग में कुछ इलाकों में जल में गर्जन के साथ भारी बारिश हो सकती है। वही मौसम विभाग की माने तो मानसून की विदाई से पहले जो है एक बार फिर से प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होगा। इसी बीच मौसम विभाग ने कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। वही 6 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया। जिलों में भारी बारिश की संभावना है। तो ये कुछ स्थितियां जो है राजस्थान के मौसम को लेकर भी निकल के सामने आ रही है। वीडियो आपको अच्छा लगे एक बार लाइक जरूर कर दें। बढ़ते हैं आगे यूपी के मौसम की ओर। तो पूर्वी यूपी में जो है झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है। खुशनुमा मौसम रहेगा आखिरी हफ्ते में। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को मजबूरी गर्मी से राहत मिलने वाली है। दरअसल इस बार मानसून की विदाई देरी से होगी। मौसम विभाग के अंदर ने कहा पूर्णमांग साबित सही हो रहा है। दरअसल गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, आजमगढ़ में झमाझम बारिश देखने को मिली है। बारिश की वजह से पिछले कुछ दिनों से सितारे मुश्किल गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। वहीं खेती करने वाले किसानों को जो है थोड़ी यह राहत यहाँ पर मिली है। मौसम विभाग के अंदर के जो वैज्ञानिक जो है दानिश, उन्होंने बताया है कि बंगाल खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र की वजह से जो है नए वेदर सिस्टम के असर से पूर्वी यूपी में कुछ इलाकों में बारिश शुरू हुई। कुछ इलाकों में जो है बारिश का दौर जो अभी आगामी दिनों में जारी रहेगा। तो आगरा में भी गरज चमक के साथ बहुत सारे पड़ने के आसार जताए गए। ज्यादातर इलाकों में ये बारिश जो है हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश का रिकॉर्ड जो है देखने को मिल रहा है। इधर गोवा में भी जो है लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। दरअसल देश के कई हिस्सों में जो है भारी बारिश देखने को मिल रही है। गोवा में पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। एमपी की बात करें तो 11 जिलों के अंदर एमपी के अंदर भी चेतावनी यहाँ पर दे दी गई है। 11 जिलों में बारिश के आसार जताए गए। कुछ जिलों में टेम्परेचर 36 के आसपास जा चुका है। दरअसल 20 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। दरअसल एमपी में मौसम के दो रूप देखने को मिल रहे हैं। कल प्रदेश के इंदौर, जबलपुर समेत 11 जिलों में बारिश हुई है। कुछ जिलों में तापमान में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई। कुछ जिलों में तापमान 36 के आसपास दर्ज किया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चौथी बार स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिवेट हुआ, जिससे कई जिलों में बारिश देखने को मिल रही। मौसम विभाग ने 24 घंटों में 20 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। यानी एमपी के 20 जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। इन 20 जिलों में उमरिया, बैतूल, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा जिलों में तेज बारिश
भोपाल और आसपास के इलाकों में हल्की मध्यम बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। तो ये एमपी के मौसम को लेकर जानकारी सामने आई है। इधर चंडीगढ़ में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ दिया, 14 साल का पारा 37.6 के आसपास आ गया। दरअसल सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ समेत पंजाब और हरियाणा में एक बार फिर से जो है लोगों को गर्मी से बेहाल होकर दोबारा एयर कंडीशन के दफ्तरों में जाना लोगों ने शुरू कर दिया है। सितंबर का महीना खत्म होने वाला, लेकिन गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिली। 2009 के बाद जो है इतनी गर्मी जो है सितंबर महीने के बाद पड़ी है और चंडीगढ़ में इसने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया। इससे लोगों को जो है आगामी दिनों में जो है रिकॉर्ड जो है वो याद आएगा कि सितंबर महीने के अंदर 2024 के अंदर इतना पारा 37.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, तो बहुत ज़्यादा पारा जो है ये गया इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया। बंगाल में भी जो है दुर्गा पूजा पर भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। दरअसल दुर्गा पूजा बस कुछ ही दिन की दूर यहाँ पर है। वही महत्वपूर्ण बात यह कि कोलकाता वासी अब उत्सव के मूड में, हालांकि इस बार भाद्र मास पूरा महीना लगभग बारिश में ही बीता। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात पश्चिम विक्षोभ की वजह से दो स्थितियां बनने के कारण जो है बारिश हो सकती है। वैसे वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें वगैरह इसी तरह की खबरें प्राप्त करने के लिए।